अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होगे, अपने साथ खुश होगे, अपने अपनों के साथ खुश होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बॉम्बे बिरयानी मसाले वाली, ठीक है। जिसके लिए हमने लिया है 2 किलो चिकन और कम से कम आधा किलो से ज़्यादा प्याज, पौना किलो होगी ना बात, उतनी नहीं लेंगे, आधा प्याज लेंगे, ठीक है। आधा किलो प्याज है और 3 टमाटर है और कुछ नींबू है और बाकी आगे आगे बताते हैं क्या क्या लगेगा। चलिए रेसिपी आखिर तक देखिएगा और पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए कुछ खड़े मसाले हैं, 4 से 5 हरी इलायची है, आधा चम्मच जीरा है, आधा चम्मच काली मिर्ची और ये जावित्री फूल, चक्री का फूल है 2 और आधे आधे इंच की, 1-1 इंच की दालचीनी है थोड़ी, 3 से 4 टुकड़े और 6 से 7 लौंग है। ये हमें बघार में शामिल करना है। ये देखिए हमने एक तपेली जिसमें हमें बिरयानी बनानी है वो रख दिया, उसमें हमने 1 कप भर के ऑयल ऐड कर दिया है और अब सारे खड़े मसाले हम डाल देंगे और उसी के साथ साथ 2 तेज पत्ते शामिल कर देंगे। ये थोड़े से मसाले कड़कड़ाते हैं, उसी के साथ साथ हमें शामिल करना है प्याज। ये देखिए प्याज शामिल कर देना है और प्याज को गोल्डन ब्राउन करनी है, गोल्डन ब्राउन होती है फिर आपके साथ शेयर करते हैं। फटाफट झट से बनने वाली बिरयानी है, आराम से आप बॉम्बे बिरयानी मसाला बना सकते हैं और बनाइएगा ज़रूर। ये देखिए हमारी प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अभी इसी वक्त हमें इसमें शामिल करना है अदरक लहसुन, यानी 2 किलो चिकन है तो 1/2 कप अदरक लहसुन रहेगा हमारा, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमें हरी मिर्चें, हमने दरदरी पीस ली थी, कम से कम 12 से 15 हरी मिर्चें होगी, वो हमें इसमें शामिल करना है। आप अपने हिसाब से शामिल करिएगा, आपको जितना तेज़ लगता है। इसमें अभी मिर्ची पाउडर भी हमें शामिल करना है, तो हमने 10 से 12 हरी मिर्चें दरदरी पीस ली थी और उसे इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन के साथ। ये देखिए उसी के साथ साथ हमने 1 कप पुदीना को उसमें बारीक चॉप कर लिए थे, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और उसी के साथ साथ हमें इसमें शामिल करना है 2 बड़े चम्मच मिर्ची पाउडर, और उसी के साथ साथ धनिया पाउडर भी इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच और हल्दी पाउडर 1 चम्मच भरकर। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब इसमें शामिल करना है गरम मसाला, जो कि हमारा घर में पीसा हुआ गरम मसाला है, वो 1 चाय का चम्मच वो शामिल कर देंगे। और उसी के साथ साथ हमने इसमें शामिल किया है, क्योंकि बॉम्बे बिरयानी बना रहे तो बॉम्बे बिरयानी मसाला 1 चम्मच भरकर, ठीक है, टेबल स्पून लेना, 1 टेबल स्पून भरकर बॉम्बे बिरयानी मसाला। इससे क्या है, खुशबू बहुत बढ़िया आती है बिरयानी की। ये सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है 1 मिनट हाँ। और उसी के साथ साथ हमें इसमें शामिल करना है हमारे कटे हुए बारीक टमाटर, और टमाटरों के साथ साथ ये मसाले भी भून जाएंगे। और इसी वक्त हमें इसमें दही भी शामिल कर देना है। दही आप 1 कप भर कर लीजिएगा, क्योंकि बिरयानी बना रहे, बिरयानी में जितनी ज़्यादा दही होती है उतना ज़्यादा टेस्ट भरपूर आता है। ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें इसमें मिक्स कर लेना है। थोड़े से मसाले भून जाते हैं, फिर इसमें हमें चिकन ऐड कर देना है, ठीक है। अभी इसी वक्त हमें नमक ऐड करना है, हम अपने हिसाब से नमक डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से नमक इसमें शामिल करिएगा। ये देखिए अभी इसी वक्त हमें शामिल करना है 2 नींबू के जूस। अब इन सब मसालों को अच्छी तरीके से हिलाकर इसमें हमें शामिल करना है चिकन। ये देखिए हमारे मसाले अच्छी तरीके से भून गए, तेल सेपरेट हो चुका है, अभी इसमें हमें शामिल कर देना है चिकन। चिकन शामिल करके अच्छी तरीके से इसे हिलाकर 5 से 7 मिनट के लिए दम पे दे देंगे,
ताकि चिकन में मसाला अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन एकदम सॉफ्ट हो जाए। ठीक है ना, ये देखिए हमारे चावल है 1.5 किलो हमने सादे पानी में बॉईल करने के लिए रखे हैं। ठीक है, ये बॉईल हो जाता है तो बिरयानी के मसाले में हम आपको मिलाते हुए दिखाते हैं। ये देखिए हमने आलू फ्राई कर लिए थे, 3 बड़े आलू लिए हैं, मसाला हमारा कुक हो चुका है, इसमें फ्राई आलू हमने शामिल कर देना है। माशाल्लाह से आलू भी गलने आ गए, मसाला भी भून गया, चिकन भी सॉफ्ट हो गए, चावल भी लगभग बॉईल हो ही चुके हैं। ये देखिए इस पे हम थोड़ा सी ब्रिश्ता डाल देंगे, ब्रिश्ते से ना थोड़ा सी जायका भी बढ़ जाता है। ठीक है ना, माशाल्लाह से एकदम अच्छा कुक हो गया है हमारे चावल पूरे, यानी चावल हमने एक कनी उबाला है तो वो इसके ऊपर बिछा कर पूरा दम दे देंगे। ये देखिए एक कनी चावल है, ये एक यानी दाना बाकी है, इसके ऊपर डालने से जितना पानी है चिकन का वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें और चावल भी हमारे खिले खिले दम हो जाएंगे, क्योंकि पूरे कुक हुए चावल अगर हम इस पे डालते हैं तो ये देखिए ये जो साइड में पानी दिख रहा है ये पानी इसमें सूखेगा नहीं, और ये बॉम्बे बिरयानी है, दम बिरयानी में यानी नीचे मसाला होता है ऊपर चावल होता है, तो इस तरीके से बनाने से बहुत ही मस्त और मज़ेदार सी बिरयानी बनती है, यानी जो मसाले वाला पानी होता है वो चावलों में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके ज़रिए मसाला मसाला चावल भी रहता है, मसाला भी रहता है और वाइट चावल भी रहता है। ये देखो अभी हमने ना ब्रिश्ता डाल दिया इस पे, चावलें बिछा दिए, ब्रिश्ता डाल दिया और फूड कलर ऐड कर देंगे इसमें, आपको जो कलर आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल दीजिएगा। हमारे पास है तंदूरी कलर, और कौन सा कलर है आपा? ये देखो ये पाउडर कलर है, ये इनका ट्रिक ऐसी आपा का हमारी, ये ग्रीन कलर है, ये तंदूरी की कलर, तंदूरी रेड ऑरेंज कलर है और ये येलो कलर है। मेरे को तंदूरी मिला नहीं। नहीं मिला, कोई बात नहीं, हमको जो मिला हमने डाल दिया, आपको जो मिला आप वो डाल दीजिएगा। अब इसमें और क्या डालना है? घी डालेंगे। ठीक है, ये है ज़ाफ़रानी कलर, इसमें खुशबू भी आती है और इससे टेस्ट भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसमें ऐड करना है थोड़ा सी घी। ये देखो अब हमने इसमें घी डाल दिया है, अब इसे अच्छी तरीके से कवर करके दम पे दे देंगे और दम पे देने के बाद डिश आउट करके आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत इजी और सिंपल है, देखा आपने जो मसाले हमने डाला आपके सामने डाला, जो भी किया आपके सामने किया, बहुत इजी है, सिंपल है। ठीक है, अब जो भी है इसी आपके सामने ही है, आप बनाइए एंजॉय कीजिए, अभी हम इसे दम पे दे देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी बिरयानी दम हो चुकी है, आप देख रहे हो कितना बेहतरीन सा मसाला मसाला नीचे आया है, इसे ही कहते हैं बॉम्बे बिरयानी मसाला, मसाला बिरयानी, ताकि नीचे मसाले वाले चावल और ऊपर एकदम सूखे सूखे बिरिश्ते वाले कलरफुल चावल दिखाई दे। आप भी इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इंडियन कुकिंग एंड व्लॉग्स। सिंपल है, अच्छी है और एकदम टेस्टी बिरयानी बनी है, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और हम बिरयानी इंजॉय करते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये वो देख सकते।